रूपाली का असली रंग दिखाऊं तुम्हें? अब रूपाली का भी दिख रहा होगा। पाली भी पूरी रेडी हो चुकी है, कमाल पाया हुआ भाई, कहर आए। Hey everyone, welcome back to my new vlog. आज पहला दिन है यहाँ पर और काफ़ी सारे प्लान्स बनाए हैं कि अभी कहीं बाहर भी जाना है। मैं तो नहा धोकर तैयार हो गया जल्दी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो का काम भी करना था, ये रहा तो मैं वीडियो का ही काम कर रहा था। ब्रेकफास्ट आ चुका है एंड जैसे ही एक बार ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके बाद मैं अपना एडिटिंग का काम फिनिश करूँगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे। और फिलहाल रूपाली कहाँ जाना है हमने? मामा के घर जाना है फिर, और शायद बुआ के घर। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आगे मार्केट वगैरह कहाँ जाना है, क्योंकि कल से तो मेरा ऑफिस है तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। एंड यहाँ धूप आ रही है प्रॉपर, जैसे चंडीगढ़ वहाँ धूप नहीं आ रही ना, बादल वगैरह रहते हैं पूरा पूरा दिन, कोहरा होता है, यहाँ कोहरा नहीं आ रहा क्योंकि धूप है। तो धूप की वजह से मतलब मस्त मौसम हो गया बिल्कुल। वो भी उठ गया भाई सुबह सुबह जो। चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं। जो उन्होंने शोर मचाया हुआ है शायद उसको भूख लगी, अभी खाना दे रहे, एक मिनट में गायब करेगा देखो। उसका खाना पूरा वो तैयार हो गया। तेरे से मतलब खाने के लिए शोर मचा रहा था, गिनती की उसने 30 सेकंड से पहले खत्म कर दिया। डाइट बहुत ज्यादा है ना इसकी। तो अभी खाना भी ना हो चुका है, अब बस निकलने लगे हैं। भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ है, काम धंधा करना है हम सबको, और इसको देख लो खाना खाया उसने और वो चढ़ गया उसके ऊपर, और अकेला किसी से कोई मतलब नहीं, वहाँ अपने झूले ले रहा है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं है। उसने वहाँ से खाना खाया, वो उसकी वो कटोरी बड़ी है और बैठ गया उस पर। सारी अपनी अपनी लाइफ का भाई कर रहे हैं, जो जिसकी लाइफ में जितनी मेहनत है वो कर रहे हैं, उसकी लाइफ में यही मेहनत थी खाना खाकर ऊपर जाकर बैठ जाना। आँख दिखा रहा है ऊपर से मुझे, चलो टाइम रहते झुका ली, वरना मुझे तो वो मुझे देखती आँखें झुका ले तेरे वाली, तेरे पे गया पूरा। हसले हसले नया फोन लेके हीरो बन रही है, हैं देख लग गए। तो रूपाली जैसी हरकतें हैं तेरी, यहाँ आई नहीं और इसने अपने हाथ पे पैर पे चोट लगवा ली पूरे। एक हमारे वहाँ के संतरे होते हैं इतने छोटे छोटे से डिसेंट से, और एक यहाँ का देख लो, दानव दैत्य राक्षस, ऐसे वर्ड यूज होंगे इसके लिए तो भाई कहीं से। और तुम्हें लग रहा होगा कितना तो भारी है, भीषण है, उतना ही खोखा है, इतना टेस्टी है, इसका छिलका भी मीठा है। ये तो मैंने कभी देखा नहीं, खाया भी नहीं कि कैसा होता है कैसा नहीं होता, बट हल्का बहुत है। पर ये है कि शायद से अंदर से मजबूत है, इसके सर पे मार, हाँ मारने लड़ाई के लिए भी यूज हो सकता है, खोखला है, पर पता नहीं इसके अंदर, मैंने आज तक नहीं खाया। अभी कह रही इसका नाम कुछ क्या है, मीठा खट्टा। इसका नाम है खट्टा, तो देखते हैं कि ये कैसे अभी खटाई बना रही है। ये अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट ले आई थी वाली, क्या क्या नमक आ रहा है, मम्मी लेके आ रहे हैं सब छोटे। फिर ये रूपाली इसको एक बार काटियो, सब कुछ लग रहा है ना कि आसान है, ये कटेगा इजीली? इजीली नहीं कटेगा, मैं वही कह रहा हूँ, चमड़ी इतनी हार्ड है ना इसकी, पर ये इतना मीठा होता है ना। खा के दिया ये वो बाहर वाला? बाहर वाला क्या, ये देख इतना से, ये खा के देख, इसके घर में खा लेते छिलका, मीठा तो बहुत है, सच में मीठा है। तो बाहर वाला खाने के अंदर वाला दोनों वाले, और अंदर मेरे को लग रहा है फल बहुत कम होएगा, कम होएगा खट्टा कम होएगा, है ना, बिल्कुल ही कम, क्योंकि बाहर से पता लग रहा है इतनी कवर इसका पॉप परत इतनी हैवी। इसको धूप में रखेंगे तो कड़वा, तो धूप में हम रखेंगे ही नहीं, अभी तो मैं छांव दी है। सही है, एक बार बन जाए बनाते हुए दिखाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसा होगा। क्या है बता दिया, दुंज दुंज, ये तो नहीं बताया था क्या है दुंज, इसका नाम है दुंज, अभी तो खट्टा कह रही थी, अंदर संतरे जितना ही निकला। रात ये साइड में हाँ। पर इसका ये बाहर वाला पोर्शन बहुत मीठा हो रहा है, और ये नमक के साथ सही हो रहा है, बड़ा खट्टा मीठा, मतलब मिर्च और मीठा। मैं तो एकदम काला आ रहा हूँ अभी, धूप आ रही है एकदम काला, मेरी शेडो दिख रही होगी किसी हाँ। मेरी शेडो दिख रही थी ना, ब्लैक एंड वाइट दिख रहा था ना, असली रंग मेरा, असली रंग दिख गया था। रूपाली का असली रंग दिखाऊं तुम्हें? अब रूपाली का भी दिख रहा होगा। मेरे ऐसे ही रंग है रूपाली का भी, थोड़ी सी मसाज भी करनी पड़ती है इसकी, मसाज
मसाज नहीं हो रही, वो ऐसे ऐसे करके बहुत छोटे पीस छोटे छोटे पीस हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या उगता है ना, कुछ भी उग रहा है, देसी चीज है। हाँ वही, पर अंदर बहुत छोटा है संतरा तो। संतरा नहीं है ना ये, मतलब खट्टा बड़ा कम है। हाँ। तो इसीलिए टेस्टी होता है इसी के कारण। इसी कारण से बात है। अब आ गया मेन टाइम, इसकी कटिंग तो सारी होगी, अब ये मिक्स करना है मेजर पार्ट। और इस नमक में इतनी मिर्च है ना भाई, इतनी मिर्च है, वही स्वाद है। इसलिए मेरे तो फोटो में अभी तक मिर्च लग रही है। अब सब हम निकलने लगे, हम जा रहे हैं बैजनाथ महाकाल आगे, जहाँ पर रूपाली के मामा रहते हैं। रूपाली भी पूरी रेडी हो चुकी है, कमाल पाया हुआ भाई, कहर आए मम्मी चप्पल अपनी नहीं पा रही। चल रूपाली जल्दी जल्दी, लेट हो चुकी है ऑलरेडी। अब चलो सीधे महाकाल के वहीं मिलेंगे, क्या पता महाकाल टेम्पल भी जाए। तेरा सूट कमाल भाई, एक नंबर, जल्दी चल। फिलहाल अभी हम रूपाली के मामा जी के घर पर आ चुके हैं, नाना के घर पे, और हमने घर का टूर भी कर लिया है। yes. मैं तुम सबको बता देता, पहले वहाँ किचन होती थी, अब ऊपर ऐसा मुझे रूपाली ने बताया। वहाँ पर क्या रही है और गाय है, पर मेन चीज क्या है, मेन चीज है पहले किचन वहाँ थी, अब किचन ऊपर है। चलो मैं ऊपर जाता हूँ, अभी मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता ना, तो अभी ऊपर चलते हैं। हम जा रहे हैं बुआ के घर, इस मिठक के घर, मिठड़े के घर। फिर ऑफिस का काम हो गया, अब हम जा रहे हैं रूपाली की दादी के यहाँ। अब थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पर पैदल ही जाएंगे, थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी, सूरज भी ढलने को है, अभी जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैंने कल शिमला मिर्च देखी थी, ये देखो ये लगी हुई है, कल छोटी थी और आज में इतनी बड़ी होगी, पता नहीं कैसे काफ़ी बड़ी होगी एक ही दिन में। ठीक है, ऊपर इतने मतलब गमलों में भी लग रही है और इतनी ज़्यादा हो रही है, तो बढ़िया चीज़ है, हर कोई घर पे उगा सकता है ना, अच्छी चीज़ है, उगानी चाहिए सबको। और ऊपर से तोड़ लो फिर नवी आ जाएगी, क्या मस्त चीज़ है। मैंने सबसे लेट कर दिया था लेट होने में, चलो अब सीधा वहीं मिलते हैं। बस अब निकल रहे हैं। ये वाला संतरे का पौधा रोनी और मैंने लगाया था, आज बड़ा हो गया काफ़ी। ये वाला वही है ना पौधा जो रोनी और मैंने लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया। तुम्हारा अलग है, वो तो सूख गया, वो शादी में खराब हो गया। अच्छा, जो उन्होंने वो वाला वो सूख गया। अरे तो शादी में हुआ, शुक्र मना हवा नहीं चल रही, वो तो निकल जाएगा। हमारे वाला देखो रोनी, मेरे वाला लग रहा है अगले साल से फल भी दे देगा, हमारे वाला अगले साल से फल दे देगा। वो दिखाऊंगी खेतों में, देखी होगी नहीं देखी होगी तो वाली व्लॉग से देखती। वो जो है ना, वो लहसुन वो मैंने उगाया है। कौन सा वाला? उधर लहसुन जो है उधर, ठीक है, वो जो उस रो से सेकंड वाला है। हाँ। उसकी बात कर रही है, दो सेकंड लास्ट, तो ठीक है। हाँ। और ये कीवी लगी, कीवी के लगे हैं है ना, वो कीवी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कहाँ पर है, रुको। कीवी है ये, जो ये टी जैसे डंडे है ना, ये है कीवी। और उसके पीछे जो पेड़ है वो सेब के। हाँ, इसके पीछे सेब भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ये रहे सेब। और ये मटर, ये जो नंगे हो रखे है ना अभी, ये सारे के सारे सेब है। और ये इसके आगे ये मटर है सारे के सारे। और ये फिर पूरी नीचे तक कनक है, फिर वो नीचे तक कनक है, और सारा भी ऑन प्रोसेस है। यस। अभी घर वापस ही हो चुकी है, आज रूपाली के मामा के घर, रूपाली के फूफा जी के घर, बुआ के घर, काफ़ी जगह जाया है एंड काफ़ी कवर कर लिया। बहुत अभी रात को और पहुँचे हैं, ठीक है, बढ़िया मज़ा आया, हर जगह देख ली मैंने। अब कल से मेरा थोड़ा ऑफिस का काम भी है, ठंड इतनी होगी बाहर, इतनी ज़्यादा, मैं तो आते यहाँ हीटर के आगे बैठ गया और बस पैर वगैरह गर्म कर रहा हूँ, रूपाली पानी वगैरह लेने गई है। यार रास्ते सारा के सारा भाग दौड़ में ही निकल गया टाइम, पर ठीक है, मज़ा आया हर जगह घूम कर आगे। एंड कल से अब थोड़ा काम भी है, बट अब मैं कल यहाँ के आसपास के व्लॉग्स बनाऊंगा, पालमपुर मार्केट वगैरह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो ले व्लॉग्स आएंगे। तो यार बस बने रहना इस व्लॉग के लिए, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।